Hello everyone, I welcome you all to Study Squad and it's time to start today's session. In today's session, we will cover your daily news analysis, which are going to be from the Hindu. Then we will cover your current affair composition And lastly, we will cover your vocab part. And this is going to be for just 10 minutes under under. So make sure you subscribe to our channel.

इस बार सबसे शॉकिंग चीज जो आप देखोगे या बेसिकली इट्स अ सरप्राइज अ शॉक यहां पर सबसे अच्छी चीज हुई कि पहली बार देखा गया कि हमने सिर्फ और सिर्फ डिफेंस को मेन फोकस रखे नहीं ये बात हुई आपकी बट हमने इस बार फोकस करा है ट्रेड पर सो दिस इज अ वेरी बिग थिंग की सिर्फ और सिर्फ हमारी जो रिलेशनशिप है विथ रशिया दैट इज जस्ट नॉट बेस्ड ऑन डिफेंस बट जो हमारा ट्रेड है जो ऑलरेडी काफी अच्छा है उसे और एक्सटेंड करने की बात करी गई है सो वेरी गुड थिंग काफी ज्यादा चीजें यहाँ पर डिस्कस हुई है और उन्हीं को हम आपके साथ शेयर करेंगे अब देखो प्रेजेंटली जो आपका रशिया के साथ ट्रेड है ठीक है अभी प्रेजेंटली दैट इज अराउंड सिक्सटी फाइव मिलियन डॉलर के अराउंड है और अब जो हमने टारगेट रखा है बाई ट्वेंटी थर्टी आर टारगेट इज कि हम हंड्रेड बिलियन डॉलर्स का आपका ट्रेड करेंगे तो दैट्स बिग चेंज बहुत बड़ा चेंज है जो अभी आपका सिक्सटी फाइव बिलियन डॉलर्स है उसको हंड्रेड बिलियन डॉलर्स करना है बहुत बड़ा चेंज है और इसी के लिए हमारा गोल है कि ट्वेंटी थर्टी तक हम ये अचीव करेंगे अब देखो आपकी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है जब हम ट्रेड की बात करते हैं हम दोनों के बीच में सबसे बड़ा इशू आ जाता है आपकी कारन्सी का इशू आ जाता है क्यों कारंसी का इशू आता है क्योंकि देखो उन पे रशिया पे काफी सारे सैक्शन है बिकॉज ऑफ देयर एक्टिविटीज जिसकी वजह से आप डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाते हो एंड इस बार हमने डिसाइड किया है जो आपकी लोकल करेंसी है लोकल वन उसको ये हम ज्यादा यूज करेंगे दोनों नेशन की ताकि जो हमारा ट्रेड है वो अच्छा चलता रहे ओके सो पहला फोकस वो है सेकंड फोकस क्या है सेकंड फोकस आ जाता है आपका कनेक्टिविटी हम ने सोचा है कि हम जो अपनी कनेक्टिविटी है उसे इंक्रीज करेंगे आपकी जितनी ज्यादा अच्छे पोर्ट्स होंगे या जितनी ज्यादा आपकी नई कनेक्टिविटी होगी शॉर्ट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ठीक है जितना शॉर्ट आपका डिस्टेंस होगा उससे क्या बेटरमेंट होगी कनेक्टिविटी में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ आती है जब आपका डिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा अगर आपका शॉर्ट डिस्टेंस होगा आपका कम डिस्टेंस कवर होगा देन आप फ्यूल पे कॉस्ट सेव करोगी आप फ्यूल पे कॉस्ट सेव करोगे इसकी वजह से जो आपकी इंपोर्ट की ड्यूटीज हैं वो कम लगेगी और आपको जो प्रोडक्ट बहुत हाई अमाउंट पे मिलता था या बहुत हाई प्राइस पे मिलता था वो आपको कम प्राइस पे मिलने लगेगा ओके okay? सो so, पहला तो हमारा इशू है कि हमने करेंसी का सॉल्व करेंगे सेकेंड इशू है हमारा कनेक्टिविटी जो जिससे हम सॉल्व करेंगे जिसके लिए हमने आपके ऑल्टरनेटिव पोर्ट्स पे या ऑल्टरनेटिव रूट पे काम करना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है सो so उनको हम फर्स्ट प्रायोरिटी बना के चलेंगे ओके सो दैट विल बी आर फर्स्ट प्रायोरिटी कि हमारे ज्यादा कनेक्टिविटी के रूट्स है अब आपको एक चीज हमेशा याद रखना मेन यूर टॉकिंग अबाउट कनेक्टिविटी है ओके जितनी आपकी कनेक्टिविटी होती है उतना ही आपका डेवलपमेंट होता है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिल्कुल डायरेक्ट आपकी प्रपोर्शनलिटी है जितनी कनेक्टिविटी उतना डेवलपमेंट यही सेम चीज अगर आप अपनी नॉर्थ ईस्ट की बात करते हो तो नॉर्थ ईस्ट में सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि वहां पर हमारी कनेक्टिविटी लैक करती है हमारे मेन लैंड से उन लोगों के साथ कनेक्टिविटी कम रहती है इसी वजह से वहां पर आप देखोगे डेवलपमेंट कम रहता है सो so, जितनी जितनी आप नॉर्थ ईस्ट के साथ भी अपनी कनेक्टिविटी इंक्रीज करते जाओगे उतना उतना आपका वहां का भी डेवलपमेंट और ज्यादा इंक्रीज रहेगा ओके सो दिस वन थिंग आप थोड़ा सा आगे डिस्कस करेंगे देखो यहाँ पर बात की गई है की आपके हंड्रेड बिलियन डॉलर्स का हम अचीव करेंगे बाई ट्वेंटी थर्टी ट्वेंटी सेकेंड आपके एनुअल ये सारे टॉक्स आपके डिस्कस किए गए अब इम्पोर्टेंट चीज है आपको ये जो न्यू कनेक्टिविटी रूट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए एक तो है आपका चेन्नई वाल मरीन रूट इसकी बात की गई है देन आपकी नॉर्थ एन सी रूट की बात करी गई है एंड इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात की है बाय ईरान ठीक है सो ये सबसे ज्यादा आपकी इन्वेस्टमेंट इस पर करेंगे फर्स्ट प्रायोरिटी इसे बना के रखेंगे ओके okay. ट्रेड की बात हमने कर ली नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो डिस्कस हुई कि आपकी जो न्यूक्लियर पार है एनर्जी का सेक्टर है उसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाएगी उसमें साथ में हम डेवलपमेंट करेंगे सो दैट इज अ वेरी गुड थिंग ठीक है न्यूक्लियर एनर्जी में इन्वेस्टमेंट की जाएगी एनर्जी सेक्टर में नेक्स्ट आ गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में दोनों साथ में काम करेंगे और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एज प्रायोरिटी एरियाज रखा जाएगा सो so, इस बार की जो थी वो इन ही टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व करी थी बहुत मेजर चेंज है आप डिफेंस से आगे बढ़े हो आपने एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर दिया है आपने और ज्यादा एक्सप्लोरेशन स्टार्ट करी है दोनों नेशन ने ने नेशन कि हम एक सेक्टर तक तक नहीं नहीं रहेंगे यहां तक ही नहीं रहेंगे ही बट हम और भी अपने जो अलग अलग सेक्टर्स हैं वहां पर एक्सप्लोर करेंगे और वहां पर साथ में वर्क करेंगे वेरी गुड थिंग सेकेंडली ये एक और भी चीज आपकी डिस्प्ले करता है या रिप्रेजेंट करता है कि इंडिया सिर्फ और सिर्फ वेस्ट के साथ ही एसोसिएट नहीं करता है और नेशंस के साथ भी और अलग अलग सेक्टर्स में एक्सप्लोर करता है और वहां पर अपने जो कनेक्शन है इंक्रीज करता है प्लस वर्क करता है और सेक्टर्स में भी सो so वेस्ट के लिए भी एक आई ओपनिंग थिंग है दैट इंडिया इज जस्ट नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट बट वी हैव अदर एलाइज एज वेल जो हम सिर्फ डिफेंस के अलावा और अपने सेक्टर्स लाइक एनर्जी सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इन सब में वर्क करेंगे ओके okay? नेक्स्ट देखो आपके जो रूट हैं ये आपको पता होने चाहिए ठीक है ये रूट आप एक बार जरूर देखो यहाँ पर वील डिस्कस ओल्ड थ्री रूट तो आपको जो पी मिलेगी ओके okay? सो so, वहाँ पर टेलीग्राम पे आपको मिलेगी वहाँ पर जाके एक बार ये रूट भी आप जरूर चेकआउट करना देखो जो आपका प्रेजेंट रूट है दिस इज दी एग्जिस्टिंग रूट हम चेन्नई बैल दिन रूट की बात करें एग्जिस्टिंग रूट है आपका यहां से जो जा रहे हैं ठीक है आप देखोगे ये आपका एग्जिस्टिंग रूट है जो पोर्ट ऑफ मुंबई से पास करता है अब इसी रूट को हम चेंज करना चाहते हैं विद द न्यू वन दैट वी हैव प्रपोज्ड ये आपका चेन्नई पोर्ट से होकर जाएगा आप यहाँ देख सकते हो इजिली बहुत इजिली विजिबल है यहां से आपका जाएगा अब डिस्टेंस काफी एट थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सेवेंटी फाइव एंड देन बी रिड्यूस टू फाइव थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड फोर्टी सेवन सो काफी ज्यादा चेंज देखने को मिलेगा देखो इसमें आपकी फ्यूल कॉस्ट भी सेव होती है बाकी और जो एडिशनल कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है जैसे आपका डिस्टेंस कम होगा सो so, आप देखोगे कि जो प्रोजेक्ट हैं आपकी जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे उनके प्राइस काफ़ी कम हो जाएंगे दोनों कंट्रीज़ के लिए हेल्पफुल है नेक्स्ट देखेंगे हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो ईरान से जाएगा देखो अभी जो आपका प्रेजेंट वाला है दैट इज योर रेड वन ओके जो आपका ओके okay, ये है आपका रेड वन इज सॉरी रेड वन इज द वन दैट वी आर प्रपोजिंग जो आपका ईरान से पास होगा जिसपे हम बहुत टाइम से वर्क कर रहे हैं जो हमने बहुत टाइम पहले आपका प्रपोज किया था ओके दैट इज द रेड वन दैट यू कुड सी एंड द ब्लू वन इज द स्टैंडर्ड रूट ये ब्लू वाला आपका स्टैंडर्ड रूट है जो आपका मेडिटेरियन सी से जाता है देन 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 नॉर्थ सी सी से से जाएगा से जाएगा बाल्टिक आपका मॉस्को पहुंचेगा और जो आपका दूसरा है वो आपका जो छाबार पोर्ट हमने पहले बनाया था वहां से आपका ईरान से जाता है ये अजरबैजान बाकू में जाएगा यहाँ पर पोर्ट में जो कैसपिन सी सिलिंग है देन आपका यहाँ से मूव करेगा सो दिस इज अ वेरी शॉर्टर रिंग Link, जो आपका रेड वन है सो so, ये हमने प्रपोज किया है इस पर हम ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं आपके ओके नेक्स्ट आएंगे नॉर्थ सी रूट की बात की गई है देखो ये जो आपका रेड वाला है रेड वाला इज द एग्जिस्टिंग वन जो एग्जिस्ट कर रहा है ऑलरेडी ठीक है ये आपका स्विस् किनाल रूट से जाता है काफी लॉन्ग रूट है एंड दान ब्लू वन इज इधर आई एम टिंग वॉट ब्लू वर्थ की आपका बेसिकली so, ये इन चीजों पर हम प्रायोरिटाइज करेंगे कि हम इन रूट पे व्यय करें आप ओके नेक्स्ट आओगे आप उसके अलावा कौन से कौन सी बातों पर डिस्कस किया गया देखो नेक्स्ट आपकी जो प्रायोरिटी थी वट वैट डेट व डायस्पोरा जो आपका रशिया में है अब देखो ये चीज आपकी बहुत अलार्मिंग डेट पर चल रही थी कि बहुत सारे आपके जो इंडियंस थे आपको पता है रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही है ठीक है सो जो बहुत सारे इंडियन जो रशिया में थे बोला गया कि उन्हें रिकॉर्ड कर लिया गया ठीक है और उन्हें आर्मी में रिक्रूट कर लिया गया उन्हें आर्मी में आपका रिक्रूट कर लिया गया इन रशियन आर्मी अगेंस्ट दैट वॉर ओके सो इफ जो नंबर था दैट इज अराउंड यू नो एटलीस्ट फिफ्टी इंडियंस तो हैं ही हैं जिन्हें रिक्रूट कर लिया गया है एंड दे सेंग एट लीस्ट फोर ऑफ देम ये जो आपका डेटा आया है उनमें से फोर ऑफ देम है ऑलरेडी डाइड इन दैट पर्टिकुलर वॉर सो इसके लिए इंडिया ने बोला कि नहीं आप जो हमारे लोग हैं उन्हें रिलीज कर दो उन्हें वापस भेज दो जो भी आपने रिक्रूट करे हैं आर्मी में उन्हें वापस भेजो हमारे यहाँ वी वॉन्ट दम बैक सो दैट वर स्टैंड सेकेंड थिंग दैट है जो पीपल दैट हैुलर वॉर तो रशिया ने बोला कि वो उन्हें कॉम्पनसेट करेंगे उनकी फैमिली को कॉम्पनसेशन दी जाएगी सो पे बात की गई है सो अपने लोगों को सेव करने की बात करी गई है उसके अलावा देखो कौन सी कौन सी आपके आई थी देखो रशिया ने ऑफर करी है कॉम्पनसेशन टू द सिटीजनशिप टू किन ऑफ इंडियन वॉर अगेंस्ट यूक्रेन सो पीपल ये कॉम्पनसेशन रशिया देगा इट जस्ट आउट ऑफ द फ्रेंडशिप दैट वी बोथ हैव द बॉन्ड बिकॉज ऑफ दैट ये आप देखोगे नेक्स्ट थिंग जो आपका हमने अपना स्टैंड क्लियर रखा हमने बोला जीरो टॉलरेंस टेररिज्म टेररिज्म तो हमने terrorism के ऊपर भी बात करी हमने पीस के ऊपर भी बात करी ठीक है सो ऑल ऑफ दिस इंडिया ने अपना काफी अच्छा स्टैंड रखा इन दिस पर्टिकुलर टॉक्स सो ये सब कुछ सारा रशिया से रिलेटेड आपकी काफी न्यूज थी तो हमने वो सब डिस्कस कर लिया नेक्स्ट आएंगे हम सी ए पोर्सन पे अब रिसेंटली एक इंडियन स्टेट है दैट हैज लॉन्च द मित्रा वन इनिशिएटिव अलॉन विट्स बॉर्डर जो इनके बॉर्डर्स हैं वहां पर इन्होंने ये पर्टिकुलर जो आपका इनिशिएटिव लॉन्च किया है कौन सी स्टेट है, स्टेट है, है।, है? सबको नाम पता ही होगा कॉमेंट्स नेक्स्ट आएंगे ये जो मित्रा वन आपका इनिशिएटिव है ओके आंसर तो यहीं पे मिल गया होगा आपको सीएम है आपके योगी आदित्यनाथ ही हैज रील मेजर इन्वायरमेंटल इनिशिएटिव है मित्रा वन फ्रेंडशिप फॉरेस्ट एज पार्ट ऑफ द विश्व पूर्ण जन अभियान 2024 के अंडर आता है आपका एम्बिशियोड प्रोजेक्ट है इसके बेसिस से देखो ग्रीनरी इंक्रीज कर रहे हो आप अपनी स्टेट की वेरी गुड थिंग इंटरनेशनल बॉर्डर जो यूपी आपका नेपाल के साथ शेयर करता है वहां पर भी इंक्रीज करेंगे थर्टी फाइव आपके डिविजन फॉरेस्ट डिविजन सिलेक्ट किए गए हैं फॉर दिस दिसशमेंट इसके अंडर देखो ये चीज आपको याद रखनी है थोड़ी सी डिफरेंट है इन एडिशन टू मित्रा वन इंस्ट्रक्शन गिवन टू इस्टिश शक्ति वन दैट इज योर पावर फॉरेस्ट then you have yuva van youth forest and then we have bal van that is children's forest so ye bhi develop ki jayenge isi ke under next aayenge who has been confirmed as india's flag bearers for paris olympics so paris olympic ke liye kaun se flag bearers aapke shortlist kare gaye hain the name here is pv sindhu and sharat kamal aap mujhko bataoge कि इन दोनों की sport कौन सी है किस sport से associate करते हैं ये comments पे पता होना चाहिए आपको पता होना चाहिए ठीक है और मुझे बताओगे इमेजेस आप दोनों की यहाँ पर देख सकते हो दीज आर इमेजेस ऑफ बोथ ऑफ मिशन फॉर दैरिस ओलम्पिक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फोर सो दे वो अभी रिसेंट में हुआ है पहले आपकी मैरी कौन थी एंड शी रिजाइन उन्होंने रिजिग्नेशन दे दिया सो उसके बाद में आपकी गगन नारंग को चूज किया गया है आप इनकी इमेज यहाँ पर देख सकते हो नेक्स्ट आएंगे इन नेशन ज्वाइन करती है अभी कहा हो रही है कजाकिस्तान में हो रही है एट प्रेजेंट ओके थोड़ा सा और देखूंगी इसके बारे में कोलैबोरेटिव एफर्ट है बिटवीन द डिफेंस मिनिस्टर्स ऑफ अजरबैजान कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजिकिस्तान एंड उजबेकिस्तान तो पांच वे पार्टिसिपेट करते हैं कौन से नेशन पार्टिसिपेट करें और फाइव डैम यू शुड नो अबाउट नेक्स्ट आएंगे देखो इनका मैप भी आप यहाँ पर देख सकते हो कजाकिस्तान किर्गिस्तान तजिकिस्तान उजबेकिस्तान तुर्क मेनेजरबाइजान यहाँ पर आप देख लिये सारे Next, which company has been announced as the principal sponsor for the Indian team at the 2024 Paris Olympics? Where is company that has been announced as the principal sponsor? So, this is your, Adani group, which is your principal sponsor. What name will name Next, which mission will take Indian astronauts to the ISS as the fourth private astronaut mission of NASA and Axiom Space? So, Axiom Space. और नाशा का ना मिशन है, है जिन्हें सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर नेक्स्ट आएंगे टॉप फोर वर्ड फिर टूडे पे फर्स्ट वर्ड है आपका जियो स्पेशल इट मीन कंसिस्टिंग ऑफ डिराइव फ्रॉम ऑल रिलेटिंग टू डेट आर दैट इज डिरेक्टली लिंक टू स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन Then we have holocaust, which is total destruction of a place. Then we have reiterate, to repeat an opinion statement, etc. To have already been said to make the meaning clear or to re-emphasize. Okay, then we have swole, which is it's basically a slang word which means extremely muscular. Lastly, we have a question for the day. I hope you'll answer this in the comment section. And if you have watched till then make sure you like the session. You share the session with all your friends and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.